हेलो स्टूडेंट, तो आज पूर्व क्लास रे जो आम स्टार्ट होता कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्टार्ट होता जस्ट मुझे बेसिक जिनस डिस्कशन करी एवं कौन ना थियोरेटिकल बेस रे केमी कॉम्प्लेक्स नंबर पूर्व आसला जमी चैप्टर जमी पढ़ा जाए से अनुसार आम स्टार्ट करवा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो फास्ट हूँ इमेजिनरी क्वांटिटी आउट इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी क्वांटिटी क्या कह जाए ना इमेजिनरी नंबर क्या कह जाए द स्क्वायर रूट ऑफ the square root of negative real number is called imaginary quantity और इमेजिनरी नंबर। तो कौन लिखनी द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो एग्जांपल सपोज आम गोटे नवा जे रूट ऑफ माइनस वन रूट ऑफ माइनस सेवेन यही प्रकार रूट्स जिते आम बाहर करवा से कौन कह जे आम कम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर बाहर बोली कह माइनस वन रूट ऑफ आम जो पढ़ू जो नेगेटिव ऑफ माइनस वन बाहर जब से आम कौन कहूँ एटी नॉट डिफाइंड बोली पढ़ दूँ तो तार कौन बाहर आम कहीपर ना कि कम्प्लेक्स नंबर में कौन कह कम्प्लेक्स नंबर कहूँ जे ये डिफाइंड हो पार तो डिफाइंड हो पार कौन डिफाइंड हो पार तो से डिफाइंडा केमी हम। तो प्रथम कथा युवा रुट्स गुड़ाक आम प्रथम जान लेजे युवा कह जाए कम्प्लेक्स नंबर बोली पाए रुट ओवर अफ माइनस है किसी भी हो पाए रुट ओवर अफ नेगेटिव रियल नंबर जहाँ भी किसी ताकू ही कौन कहम इमेजिनरी क्वांटिटी इमेजिनरी नंबर बोली आम कहीपर है इंटीग्राल पावर आयोटा तापर जी छुआ इंटीग्राल पावर बता कौन पढ़ा जाए आयोटा सिंबलाइज केमती स्मॉल आई इंटीग्राल पावर आयोटा छुआ जब आम कॉम्प्लेक्स नंबर को केमी आम सिंबलाइज कलु ना आई द्वारा सिंबलाइज कलु केमी। तो आम ये नोटेसन कलु माइनस वन रुट ऑफ वर्टा इज इक्वल टू माइनस वन रुट ऑफ वर्टा इज इक्वल टू कहार वैल्यू सहित सामान छुआ आई रैल्यू सहित सामान देन जब मुझे लिखी आई स्क्वायर धर आई स्क्वायर करदे कौन हो मत कहे रुट ऑफ वर्ट माइनस वन स्क्वायर तेल टेजु माइनस वन इज इक्वल टू आई स्क्वायर तेल एटा गोटे वैल्यू पाइला आई स्क्वायर वैल्यू पाइलु ये गोटे देन रुट ओवर माइनस वन इज इक्वल टू आई ये गोटे वैल्यू आम पाइलु देन सेमी जो आम बढ़े चलू पुणी थे आई रवर क्यूब करूँ से कौन हो माइनस वन इंटु आयोटा कहीं आम ए पढ़ी कलु कौन यार वैल्यू रिप्रेजेटेड कलु के आई स्क्वायर इंटु आयोटा तो से आई स्क्वायर वैल्यू माइनस वन आयोटा आईटा रहा है आर वैल्यू के माइनस आयोटा तो आई क्यूर वैल्यू आम पाइलु के छुआ ना माइनस आयोटा पाइल प्रथम कथा मुझे कौन कहली देख भल की ना रुट ओवर ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू के छुआ कहलु ना माइनस आयोटा कहलु तो रुट ओवर ऑफ आई स्क्वायर वैल्यू के पाइलु ना माइनस वन पाइल ये सब वैल्यू गुड़ाक तुम्हें मन रख देन आई क्यूर वैल्यू के पाइल आम छुआ ना आई क्यूर वैल्यू हूँ जे माइनस पाएगा सेमिट आई टू दि पावर फोर के छुआ तो आई टू दि पावर फोर दैट मीन आई स्क्वायर इंटु आई स्क्वायर तो तुम पाखे आई स्क्वायर वैल्यू तुम जो पता अच्छे तुमको कौन ना माइनस वन एटी भी माइनस वन तेत माइनस वन इंटु माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन। तो ये आम कौन कौन पाइले जदि गोटे समराइज करके लिखा ये तो सब वैल्यू को फाइंड आउट कली तो समराइज करके लिखा तो मुझे कौन लिखी ना एन भी करके लिख दियो जे रुट ओवर ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा देन कमा देख लिख आई स्क्वायर वैल्यू माइनस वन आई क्यू रैल्यू माइनस आयोटा देन आई टू दि पार फोर रैल्यू बुझे ना बुझे तो ये जिनस को तुम्हें टी मन रख देन तार जनरल फर्मूला कौन ताको पुणी थे जा
तो जनरल फॉर्मूला कौन छो जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म कार कॉम्प्लेक्स नंबर ए वैल्यू बड़ा पे जनरल फॉर्म सब बड़ा मन रखियो i टू द पावर 4 a जतले थिबो तार वैल्यूटा सब बड़ा कोन दबो ना 1 दबो i टू द पावर 4 n प्लस 1 जतले थिबो सतले कोन दबो 4 n प्लस 1 थिले केते दबो ना i ओटा ही दबो द i टू द पावर 4 n प्लस 2 जतले थिबो कोन दबो छ ना माइनस i ओटा दबो ने सॉरी माइनस 1 दबो देन i टू द पावर 4 n प्लस 3 केते दबो छ माइनस i दबो तो ये हो छ तारे कोन जनरल फॉर्म तो एटा को यूज करी कि हमें किछि प्रॉब्लम करले तुम आउट के बेसिकली क्लियर हो देखो i टू द पावर 4 इज इक्वल टू केते कि 1 को यदि मु एटी सपोज थांता मु एग्जांपल किछि नो छ देखो एटी जे i टू द पावर 8 हो छ तार वैल्यू तुम कोइ भी केते छ कोइले देखिया तो तुम्हें जतळ तो तुमको तुम ओनली कोइ छ i टू द पावर 4 रे वैल्यू छ 1 तो i टू द पावर 8 रे वैल्यू तो हमें तो कोइ हम केते बार यो बिलि वैल्यू तो एटी मु कोन करिमि एई फॉर्म को कन्वर्ट करिमि तो 8 को हर देबि कहा द्वारा 4 द्वारा 4 गुणा केते होला 8 सुन ताने एटी केते लिखि परिमि ना 4 into 2 4 into 2 दैट इज कॉल्ड केते n n ता कोन एटी नेचुरल नंबर माने इंटीजर रे नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर बा नेचुरल नंबर तो i टू द पावर जो 4 n जो रहिला छ 4 क्रॉस 4 n फॉर्म रे रहिला तो n आईटी के रहउची छ 2 रहउची ताले मु 4 n थिले कोन कहिची 1 कहिची बा तुमे भी एंती करि पर था तो i टू द पावर 4 रो स्क्वायर करि पर था तो i टू द पावर 4 रे वैल्यू 1 1 रो स्क्वायर था जो 1 तो एही प्रकार बाहर पाला तो जदी बड़ा बड़ा संख्या दबो सेतबेले हमें मन रखिया दरकार जे जे 4 रो हमें कोण मल्टीपल कर देले हमको शीघ्र ही हमको बाहरी परिबो जे केमिति कहार वैल्यू केते तो एपे किछ एग्जांपल जीवा स्टैंडर्ड एग्जांपल जीवा देन आउ टिके फंडामेंटल क्लियर हो तो एटा को टिके राइट डाउन कर दियो लिखि दियो देन आगु को जीवा तो सपोज उड एग्जांपल मु नउ जी छुआ i टू द पावर 76 प्लस i टू द पावर 77 प्लस i टू द पावर 78 प्लस i टू द पावर 79 दे कहि छी फाइंड वैल्यू त वैल्यू टा को फाइंड करिवा द एटा को लिख देली y त फाइंड द वैल्यू ऑफ y तुम कहते कि तुम कोई क्वेश्चन तो केते आर वैल्यू होबो वाई रे वैल्यू केते हो एटा हमें जानिला के मिथि तो फास्ट कथा हमें इति कोन करिवा मु तुम कोई जे सबुडा को फॉरेन फॉर्मेट रे भांगियो ताले 76 को 4 द्वारा भाग करले केते हि जो 4 के 4 7 4 ला 3 36 बचो 36 ताले इति रिमाइंडर केतला 0 ताने 19 4 दैट इज कॉल्ड 76 यूज ताले बेटी कोन लेखिन ताने Now y is equal to i to the power कते i to the power 4 रो होल टू द पावर कते जो 9 बुझियाला न बुझियाला सॉरी 19 प्लस i to the power एटी कते जो एठी i to the power कते जो ताले एठी ताठू गुटे अधिक ता माने कोन हिजो जतले तुमे 77 दिजी ता माने एठी रिमाइंडर उठ आसी देखो तो एठी मु 4 द्वारा हरली 4 के 4 7 4 वाला कते 3 37 नचो 36 तने रिमाइंडर आसला 1 तुमे ओटे फार्मूला जानितलो जे 77 इज इक्वल टू 19 गुणन 4 प्लस कते 1 तने भाग भाजक गुणन भागफल युक्त भागशेष जो वैल्यू टा आसो ताको सेही 4 n फार्मूला लिखियो तने कोन लिख देबे 19 टा होछ एटी n तने लिखि 4 n प्लस 1 तने एटी लिखिबे ताले कते ताले ना i टू द पावर 4 रो एटी कते हिजो ताले ना 19 टू द पावर ए प्लस कते हिजो i टू द पावर 4 ना 19 प्लस कते हिजो एटी 1 हिजो तो सेइटा को सेमिति लिखि देले धरि परिबनी तो एटी लिखियो केते जनरली ना i टू द पावर 19 इनटू 4 प्लस 1 पर जेमिति जनरली तुमर बाहर छि वैल्यूटा से अनुसार लिखियो प्लस एटी सेमिति बडि छि माने नाही छोरा मते को ना i टू द पावर सेमिति एटी 8 गुटे अधिक ता माने कते हिजो छ 19 इनटू 4 प्लस 2 हिजो प्लस i टू द पावर 19 इनटू 4
प्लस थ्री ये टर्म अच्छे हला एबे हमें पढ़ी की जाई थिलु जे आई टू दी पावर 4 रो वैल्यू केते बाबा 1 तो 1 टू दी पावर 19 केते हि जो 1 1 रो पावर जति कोले मते सेति रहबो प्लस आई टू दी पावर 19 इनटू 4 अच्छा ए जो 19 इनटू 4 एटा केते हि जो ना एटा तो 1 हि जो तन मु इट लेखि परिमि आई टू दी पावर 4 रो होल टू दी पावर 19 इनटू आई गुटे एक्स्ट्रा रहउ जो सब बेला मन रखिबो जदी तुमर थाए ए टू दी पावर एम इनटू बी टू दी पावर b to the power ना सॉरी a to the power m into a to the power m तार फॉर्मूला होचो a to the power m m plus n अच्छा जदी ये प्लस ही कछु ये गुटे पार्ट प्लस ही कछु का माने कोन हिजो एटी ना एटी i to the power 4 रो 19 देन i to the power एटी कते हिजो n एटी कते 1 तने m एटा की 19 into 4 ता होचो m देन i to the power 1 ता होचो n तो सही फॉर्मूला रेटी पडला प्लस एटी कते हिजो ना i to the power एटी कते हिजो छुआ ना i टू द पावर 4 टू द पावर 19 इनटू i स्क्वायर प्लस i टू द पावर ना 4 टू 4 रो होल टू द पावर केता ला 19 इनटू i क्यूब बुझियाला ना बुझियाला देन ता पर हमें कोन करिवा ना 1 रहला प्लस आयोटा रहला माइनस 1 रहला एते केते रहला माइनस ऑफ आयोटा रहला i क्यूब रो वैल्यू तुमको पढाई छी माइनस देखिलो छ माइनस 1 प्लस 1 आयोटा माइनस आयोटा कटियो ले केते हा जीरो तने एटी कोण पाइले एटी तने अते y इज इक्वल टू 0 पाइले तने इक्वेशन लो y रे वैल्यू केते फाइंड आउट करि पालो बुझियाला ना बुझियाला देन आउट डिफिकल्ट क्वेश्चन को जीवा अबे आडो क्वेश्चन धर देई जी i टू द पावर 700 95 प्लस i टू द पावर 796 प्लस i टू द पावर 797 प्लस i टू द पावर 798 डिवाइडेड बाय i टू द पावर 785 प्लस i टू द पावर 786 प्लस i टू द पावर 787 प्लस i टू द पावर 788 हेलो तो एटा को y बोली के हम रिप्रेजेंट करले फाइंड द वैल्यू ऑफ y फाइंड वैल्यू ऑफ y हेलो तो ई क्वेश्चन टा को हम केमिति सॉल्व करबा ये पुणे डिवीजन मेथड रो अछि देखो छुआ एटी कॉमन केते जाई पिरो भल गेला चिंता करी देखो एटी कॉमन केते जाई पिरो i टू दी पावर 795 बेटा समस्त पर कॉमन चल जाई पिरो ना देखो तो मु ताको भी रिप्रेजेंट करी दोछु केमती कॉमन जो ते i टू दी पावर 795 प्लस मिड लिखि परियो ना i टू दी पावर 795 इनटू i ओटा दैट इज कॉल्ड 796 a टू दी पावर जो फार्मूला लिखतिनी a टू दी पावर m इनटू b a टू दी पावर m दैट इज कॉल्ड a टू दी पावर m प्लस तो सही फार्मूला रेट लिखिनी इथे i रो वैल्यू 1 अछि देन 795 प्लस 1 दैट इज 796 तो सेमिति का i टू द पावर केते हिजो 795 इनटू i स्क्वायर प्लस i टू द पावर 795 इनटू i क्यूब डिवाइडेड बाय i टू द पावर 785 सेमिति इथे छि ये भी समस्त तो सामने तळ वैल्यू भीतर माने डिनोमिनेटर वैल्यू भीतर तो एठी ताले कोन हिजो पुनी तर सेमिति ना i टू द पावर 785 इनटू i प्लस i टू द पावर 785 इनटू i स्क्वायर प्लस i टू द पावर 785 इनटू i क्यूब बुझियालाटा तो एबे हमें कोन करिबा ना कॉमन नै जिवा केते कॉमन नै जिवा ना i टू द पावर 795 ऊपर पार्ट रु कॉमन नै गेले ताले इटी केते रहउछि 1 रहउछि प्लस केते रहउछि आयोटा एटे रहउछि केते प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस एटे रहउछि आयोटा क्यूब डिवाइडेड बाय एटी केते रहउछि बाबा i टू द पावर केते रहइजो ना i टू द पावर 785 कॉमन चल जइजो देन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा देखिलो छुआ इदि जन समान आछन कि नै जदि समान आछन तने कैंसिल आउट हिजो बुझियाला त देन एटी केते रहइला तने ना i टू द पावर 795 डिवाइडेड बाय i टू द पावर 785 एतिक रहला हमर गणिता देन देखिलो एटी सॉल्व करछि देखो जे i टू द पावर 795 जे मो हला
आई टू दि पावर 785 एटी अछि केते ये 8 रु केते कम तार मु लिखि पाइनु आई टू दि पावर 700 सॉरी आई टू दि पावर 795 डिवाइडेड बाय हमर केते अछि ना आई टू दि पावर 785 त एतिकि दिछि से जो 95 टा को केते कम तळ पाटु 10 कम त ताकु मु लिखि पाइनु आई टू दि पावर 785 इनटू आई टू दि पावर 10 डिवाइडेड बाय आई टू दि पावर 750 आई टू दि पावर 750 750 कैंसिल आउट दन आई टू दि पावर 10 तो एबे जो आसला आई टू दि पावर 10 आई टू दि पावर 10 त पुनी थरे 10 त मु कोटा भांग हरण करबि ना 4 द्वारा हरण करबि तले आई 10 पावर जति किथो 4 द्वारा हरण करबि तने 4 गुणे 8 10 रो 8 गला केते ला 2 तले मिटे लिखि परिबि केते ना आई आई टू दि पावर 4 रो एडी केते लिखि होल स्क्वायर इनटू आई स्क्वायर काहे ना रिमाइंडर जति कि थिवो सेटा आई रो सेति कि पावर होइ जो त आर वैल्यूटा केते छ 1 त आर वैल्यूटा केते छ -1 इनटू कर देले केते गेल -1 तने एति वैल्यू पाइले केते वाई रो वैल्यू ना अते वाई इज इक्वल टू -1 बुझियाला केमिति वैल्यू केमिति फाइंड आउट केमिति करा होची आहुरी भी बहुत गुडाय क्वेश्चन अछि सेइ टाइप रो तो किछि किछि तुमे क्लियर हेइ जो त तापरे नुवा टिके जिबा नुआ कांसेप्ट आ बुझी डिस्कशन करबा दे प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस क्लास तुम जते रिवीजन नै हमरो डाउट सेक्शन क्लास रे किछु प्रॉब्लम देमी भी टाइप रो तुम देखे ट्राई करियो तापरे देखो स्टैंडर्ड फॉर हेडिंग दियो स्टैंडर्ड फॉर अच्छा कन्फ्यूजन दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म कोन गो जिंस नुवा वर्ड आसला स्टैंडर्ड फॉर्म ना स्टैंडर्ड फॉर्म माने छुआ जे तुमको गुटे क्वेश्चन दिछि धर ए प्लस आई बी फॉर्मेट रे थिबो बट इमेजिनरी पार्ट ता केबे भी डिनोमिनेटर पार्ट रे रहु नथिबो बार बार मु आउतर कहू छी जे सपोज मु क्वेश्चन लेखिल धर 2 प्लस 3 आयोटा तो आयोटा टा की दिछि न्यू ऊपर पार्ट रे अछि तो तोला पार्ट रे जेंति रहिबनी नरो सपोज मु लेखि दि थांती 1/1 आयोटा तो ए जो पार्ट जो रहिला ये नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म रहला किनु ये कोन अछि ना स्टैंडर्ड फॉर्म रो अछि स्टैंडर्ड फॉर्म रो अछि आउ थरे कहू छी कोन कहली ना आयोटा टा सब बेले न्यूमरेटर रे थिवो कोन थिवो डिवाइड ही केबे थिबो नाही सब बेले न्यूमरेटर थिबो तो रेडी लिखा दे 3/2 भी लिखता है तो किछी भी मोर प्रॉब्लम ही न था 2 प्लस 3/2 आयोटा किंतु आयोटा केबे भी डिवीजन फॉर्म रे थिबो नहीं जदी डिवीजन फॉर्म रे थाए ताकू तुम्हें कन्वर्ट करिवो जे ऊपर पार्ट को कंजुगेट करिके ताकू ऊपर पार्ट को नबो तो सेति पई कोउटा तुम्हारा स्टैंडर्ड जोउटा आयोटाटा न्यूमरेटर पार्ट रे थिबो माने लबो पार्ट रे जदी थिबो ताको आमे करबा कोन स्टैंडर्ड फॉर्म जदी आयोटाटा डिनोमिनेटर पार्ट रे थिबो ताहाले ताको आमे कोन कहबा जे स्टैंडर्ड फॉर्म मुह बोली कहा दिबो अच्छा तुमरो छ मन रे जा क्वेश्चन होत हो जे जदी से स्टैंडर्ड फॉर्म मुह ताको आमे स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करि परिबा हो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करि परिबा तो संपूर्ण गो क्वेश्चन नै होले तुमको क्लियर हे जो टिके देखो ताले एटी केते 3 प्लस धर तुमको दे छि धर सपोर्ट तुमको दे छि केते 5 बाय आयोटा तुमको दिया छि एग्जांपल उठे नउ छि 5 बाय आयोटा एटी रियल पार्ट अछि छुआ केते 0 तो मु एटा लिखि परबे रियल पार्ट 0 माने मोर किछि लेखिया किछि आवश्यक नै तो एटी 5 बाय आयोटा गुटे कॉम्प्लेक्स नंबर तो मु एटी कोन करबि जतल डिवीजन हे छि कंजुगेट करि माने एटी तळे जो वैल्यूटा अछि आयोटाटा अछि तो आयोटा रो वैल्यू गुणिमि ऊपर आयोटा रो वैल्यू गुणिमि तारे एटी कोन करबि ना 5 इनटू आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इनटू आयोटा ऊपर पार्ट रे आयोटा आयोटा गुणि देली ताले एटी केते गेला छ ना 5 आयोटा रहला तो आई स्क्वायर हला तो आई स्क्वायर रो वैल्यू केते -1 बा आयोटा रो स्क्वायर टा होछ केते -1 तर -5 आयोटा ताले तुमे एटी कोन क्लियर हला ना 5 बाय आयोटा जदी थाए तारो स्टैंडर्ड फॉर्म टा हबो कोन -5 आयोटा बुझियाला इतर कथा देन आहुरी भी क्वेश्चन अछि धर सपोज तुमको दिया हे जी 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मु तुम कोन कोइ छ सब तळ पार्ट रे केबे भी इमेजिनरी पार्ट रहिबनी तो इटुडे इमेजिनरी वैल्यू अछि ना नै ऑब्वियसली अछि तो ताको हमें हटेबार अछि केमि दिटि हटेबा देखिबा ना एठे मु कोन करबी कंजुगेट करबी माने तळे जों प्रोसेसर थिबो जोंटा प्रॉब्लम
सही जो प्रोसेसर थी तार अपोजिट साइन नहीं कि मु काम करबी त एटी कोन करबी ना 3 प्लस 2 आयोटा रही छि एटी प्लस रछि माने 1 माइनस आयोटा ऊपर एवं तळे मल्टीप्लाई कर देबी एटा तमे 9 क्लास रे पढ़ी छ उड़िया मीडियम रे तो 1 माइनस आयोटा एति तापर कोन करबा ना एटा ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी गोटे फर्मुला पढ़ते तुम 10 क्लास रे ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी एटा कहार फर्मुला छुआ ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला बुझियाला ना बुझियाला तो एठी हमें कोन लिखिया ताले ना एटा गुणी दबा प्रथमे 3 टा सहित का गुणीबा ए वैल्यूडा गुणीबा जेमिति सेठ गुणुतुल तुमरो स्कूल टाइम रे सेही भळा तुमे मल्टीप्लिकेशन भी एठी करि परिबो तो ऑपरेशन सिखा हैनी बट एही क्वेश्चन ला दरकार पडला सेति पय हम करूची ताले एठी केते हिजबो ना 1 ला स्क्वायर कर देली प्लस ऑफ एठी केते हिजबो ने सॉरी माइनस ऑफ केते हिजबो माइनस ऑफ एठी आयोटा अछि ताने माइनस ऑफ आयोटा रो स्क्वायर बुझियाला इतर कथा देन एठी कोन हिजबो छुआ ना एठी हिजबो वैल्यूटा हिजबो केते हिजबो ना 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस एठी केते हिजबो एठी एठी हिजबो केते ना माइनस ऑफ 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एटी 1 आयोटा स्क्वायर रे वैल्यू केते माइनस 1 देन माइनस एटी अछि तन माइनस माइनस केते ला प्लस तन एटी केते हिजबो 3 ए जो 3 आई आउ 2 आई इमेजिनरी पार्ट रु माइनस प्लस हि परियो हला किंतु ता पूर्वरु आहुर उठे काम अछि आई स्क्वायर रे वैल्यू केते ताकु प्रथम फांगी देबा दरकार माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा एटी केते हिजो माइनस माइनस 2 अछि आयोटा स्क्वायर रे वैल्यू केते माइनस 1 तन केते हिजो प्लस 2 हिजो कोन लेखिनि देखो एठी अछि केते माइनस 2 अछि आयोटा स्क्वायर केतला माइनस 1 देन घंटा हिजो केते 2 हिजो देन डिवाइडेड बाय केतला 2 देन एठी केते हिजो मत को तने 3 प्लस 2 रियल पार्ट ता सहित जोग हो 3 2 केतला 5 एठी 3 लु 2 गले केते हिजो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 तो एही प्रोसेस रे ही एही प्रकार रे हमें ताको चेंज करिवा देन जति भी ए क्वेश्चन ता जति भी सपोज तर धरि हे नथबो देन तार एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जत हम पढ़े भी आ कॉम्प्लेक्स रे केमिति हुए देन से केस रे अब क्लियर हो किंतु तुम भलो कि ना मन रखियो स्टैंडर्ड फॉर्म माने इमेजिनरी पार्ट ता न्यूमरेटर थिवो माने लवर थिवो आ नॉट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म माने डिनोमिनेटर रो इमेजिनरी पार्ट रो वैल्यू किछ ना किछ थिवो बुझियाला इतर कथा देन जीवा प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी ए जिंसटा कोन टिके देखियो छुआ प्योरली रियल हेडिंग दियो प्योरली रियल एंड प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z is purely real then the imaginary part is zero कौन कहला तक फर्स्ट बुझवा देन तापर आगेवा तो कौन कहली छवा ना गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर आमे नबा जोटा कि प्योरली रियल बोली के आमे तक कहिबा केते बेले ना तार इमेजिनरी पार्ट ता जीरो थियो तो छोट एग्जांपल नबा तो कोन ना एग्जांपल नेले आमे धरो आमे कहिबे 2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर ता केते इमेजिनरी पार्ट ता छि आयोटा पर जीरो किछि नाही माने 2 प्लस आयोटा पर जीरो दैट मींस 2 ताले एठी इमेजिनरी पार्ट ता कोन अछि जीरो अछि ना नाही इमेजिनरी पार्ट ता जीरो अछि इमेजिनरी पार्ट ता जीरो जदी अछि ताले एटा कोन कोइ परबा प्योरली रियल कोन कहले प्योरली रियल हला आ प्योरली इमेजिनरी केतले कोइ परे जतले रियल पार्ट ता जीरो थिबो कॉम्प्लेक्स पार्ट ता थिबो किछ न किछ हला तो एटी कोन लेखिबा आयोटा ता आगर लेखो बा एपट साइड रे लेखिने किछ असुविधा नै ताले एटी कोन रहइबो ना एटी रियल पार्ट ता कोन अछि रियल पार्ट ता अछि कोन रियल पार्ट ता अछि जीरो
ତାହେଲେଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ରିଅଲ ପାର୍ଟଟା ତାହେଲେ ଜିରୋ ଥିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଓରଲି ପିଓରଲି ଇମାଜିନାରୀ ପିଓରଲି ଇମାଜିନାରୀ ତ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ନବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ପିଓରଲି ରିଏଲ କେତେବେଳେ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଇମାଜିନାରୀ ପାର୍ଟଟା ଜିରୋ ହଉଥିବ ସେମିତିକା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଇମାଜିନାରୀ ପିଓରଲି ଇମାଜିନାରୀ କେତେବେଳେ କହିପାରିବା ତା ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ହବ ନା ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଜେଡ୍ ଜେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଇଜ୍ ପିଓରଲି ଇମାଜିନାରୀ ଇମାଜିନାରୀ ଦେନ୍ ଦ ରିଏଲ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଜିରୋ ରିଏଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଜିରୋ ଓକେ କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିଗଲା ଏଥର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ନବା ଯେତେବେଳେ ପିଓରଲି ଇମାଜିନାରୀ କହିବା ଦେନ୍ ତା ରିଏଲ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ହବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବରର କ'ଣ ହବ ଜିରୋ ହଉଥିବ ଦରକାର ବୁଝିଗଲା ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏବେ ତାହେଲେ ପିଓରଲି ରିଏଲ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କଲାବେଳେ କହିଦେଇଥିନି ଧର ଟୁ ଦେଇଥିନି ଏମିତି କହିଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିପାରିବା ନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତ କହିବା ତା ସହିତ କ'ଣ କହିବା ନା ପିଓରଲି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପିଓରଲି ରିଏଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏଥର ଧରିପାରିଲ ଜିନିଷଟା ଏବଂ ଆ ସହିତ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଓରଲି ରିଏଲ ଆଉ ପିଓରଲି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବେସ୍ରେ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହବ ତାକୁ କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ ପଢ଼ା ହେବା ପରେ ତାପରେ କେମିତି ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଭିତରେ ପିଓରଲି ରିଏଲ ନମ୍ବର କେମିତି ବାହାରିବ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର କେମିତି ବାହାରିବ ଦୁଇଟା ନମ୍ବରକୁ ଜୁଡ଼ିଲା ଭିତରେ ତ ତା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ ସେ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ମିସ୍ କରିବେନି କାହିଁକିନା ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ବେସ୍ରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକେ ପ୍ରୁଭିଂ ପାର୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ବେସ୍ରେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ସେଇଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ଟା କେଉଁଠି କେତେ ପ୍ଲଟେଡ଼୍ ହେଉଛୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ଜାଗା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କେମିତି କରାହେଉଛୁ ତା ଉପରେ ବେସିକାଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିବ ହେଲା ତ ଏତିକି ଦେଖିଦେଇଥାଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଦେନ୍ ତୁମେ ପଚାରିବ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବ।